सोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने भाजपा पर कई तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके सांसद और विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा नेता आज अधिकारियों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं और विकास की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि शहर में अगर लोगों को पानी और अन्य बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिसकी जिम्मेवार एकमात्र भाजपा है। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने कहा कि 100 दिन पूरा करने पर कांग्रेस भाजपा से 100 दिन का हिसाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि प्रदेश में ट्रांसफर माफिया हावी है, लेकिन भाजपा आते ही 400 अधिकारियों के ट्रांसफर कर क्या सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा विकास को दरकिनार कर द्वेष भावना से काम कर रही है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर सांसद व विधायक से इस्तीफे की मांग भी की है। जबकि करीब करीब इनको 20-22 दिनों में सरकार बने हुए हैं, और उन्होंने थोक के हिसाब से जो है जिस तरीके से सरकार ने तब्दीलियां की हैं, ट्रांसफर की हैं, करीब करीब 450-450 ट्रांसफर हुई है। इससे लोगों को ये सामने बात आई है कि माफिया राज कांग्रेस में ज्यादा चलता था कि ये भाजपा में ज्यादा चलता था। हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी ने कि भाजपा सरकार जो है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन जो है उनका मुख्य मुद्दा रहेगा, पर उसका उदाहरण जीता जाता जिस तरीके से वीरेंद्र कश्यप जी के ऊपर जो है आरोप तय कर हो चुके हैं, तो उनको वैसे ही उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए था। दूसरी तरफ इनके पास बहुत से लोग ऐसे भी थे जो स्वच्छ छवि के हैं, और जिस तरीके से राजीव बिंदल जी को स्पीकर पर बैठाया गया, उनके खिलाफ भी बहुत से मुकदमे कटवाल जी हैं, इनके जो नए अभी विधायक बन के आए हैं उनके ऊपर भी इस तरीके से चार्ज लग गए, उनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है किसी चल रहे हैं। तो उन लोगों को अगर ये जीरो टॉलरेंस करप्शन कहते हैं, तो ये जो मुद्दे हैं उसको वो खोखले नजर आते हैं।